हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे आलमंड चॉकलेट्स और कैशनट चॉकलेट। और इन चॉकलेट्स को हर किसी फेस्टिवल पे बनाकर इजीली सर्व कर सकते हैं। और जब मार्केट से लाएंगे ना, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। काफ़ी इकोनॉमिक रेट पे हम इसे घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पहले बनाते हैं कैशनट चॉकलेट। तो उसके लिए हमने थोड़े से काजू ले लिए हैं और डार्क कंपाउंड चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया है। और चॉकलेट को मेल्ट करने का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ऊपर आई बटन पर भी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि हमने घर पर ही इजी वे में चॉकलेट को कैसे मेल्ट किया है। मेल्टेड चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। अब एक काजू को उठाकर चॉकलेट में डालेंगे और रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने से काजू चॉकलेट पर ईजिली चिपक जाएगी। अब इसे फॉक से उठा लेंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट को रिमूव कर लेंगे, ताकि चॉकलेट वेस्ट ना हो, और इसे सरफेस पे रख देंगे। ऐसे ही एक एक करके काजू को चॉकलेट में डालते जाएंगे और एक्स्ट्रा चॉकलेट को रिमूव करते हुए सरफेस पे रखते जाएंगे। और चॉकलेट को सूखने से पहले इसे गार्निश भी करेंगे, ताकि चॉकलेट दिखने में और सर्व करने में अट्रैक्टिव लगे और खाने में यम्मी लगे। तो मैंने पिस्ता को क्रश कर लिया है। अब एक एक काजू पे पिस्ता को स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि ये चिपक जाए। ये काम थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो चॉकलेट सूखने के बाद पिस्ता पर नहीं चिपकेगी। सारी चॉकलेट्स को हमने रेडी कर लिया है। ये अब सूख गई है, तो अब इसे हम कटर से इस तरह से उतारते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखने में इतनी शानदार लग रही है ना, कि बनते बनते ही मेरा तो खाने का मन कर रहा था। अब इसे हम टेस्ट करते हैं। वाओ, सुपर टेस्टी कैशनट चॉकलेट 5 मिनट्स बनकर रेडी हो गई है। और दूसरी हम बनाते हैं व्हाइट आलमंड चॉकलेट्स। हमने थोड़े से बादाम लिए हैं और एक कप में व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके डाल देंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने का सेम ही प्रोसेस है। चॉकलेट को कप में डालेंगे, एक बादाम को चॉकलेट में डालेंगे और इसे रोटेट कर लेंगे, ताकि चॉकलेट की कोटिंग हर तरफ से हो जाए। निकालने के लिए फॉक का यूज़ करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट रिमूव हो जाए, और सरफेस पे रखते जाएंगे। सारी चॉकलेट्स को इसी प्रोसेस से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। आलमंड से बनी चॉकलेट्स की लुकिंग को बढ़ाने के लिए मैं इसे बारीक पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ये काम आपको चॉकलेट को सूखने से पहले करना होगा, नहीं तो सूखने के बाद बारीक पिस्ता इस पर नहीं चिपकेगी। सारी चॉकलेट्स को बनाते जाएंगे, साथ ही साथ गार्निश भी करते जाएंगे। चॉकलेट के सूखने के बाद ही हम इसे कटर से इस तरह से उतारते जाएंगे। ये इजिली उतर जाएगी, बट ये काम आपको सूखने के बाद ही करना होगा, नहीं तो इसकी लुकिंग बिगड़ सकती है। तो देखा आपने कितना आसान है इस चॉकलेट्स को बनाना। इसकी लुकिंग तो जब बादाम को भिगोकर उसके छिलके उतारकर हम खाते हैं ना, वैसी लग रही है। और पिस्ता से गार्निश करने के बाद ये अट्रैक्टिव लुक दे रही है। आप इन चॉकलेट्स को किसी भी ओकेजन पे बनाकर आपके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स का मुंह मीठा कर सकते हैं, या फिर बर्थडे पार्टी में किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप इस चॉकलेट रेसिपी को फटाफट से बनाकर ट्राई जरूर करना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। एंजॉय योर डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय।